नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में आप सभी का स्वागत है। स्टार लाइफ में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसने हिंदी फिल्मों से लेकर मराठी फिल्मों तक में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। हम आपसे एक ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं जो बेहद गरीबी से कामयाबी के शिखर तक पहुंचा है। एक वक्त पर पिता के इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और आज ये खेती करके दूसरे गरीब लोगों की मदद करते हैं। हम आपसे बात करेंगे नाना पाटेकर के बारे में। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले नाना पाटेकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा से काफी ज्यादा चर्चे बटोरते आए हैं। गॉसिप के गलियारों में जब नाना और मनीषा कोइराला के अफेयर की खबरें उड़ी, नाना पाटेकर की पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और काफी सालों तक उनसे अलग ही रही। अपने बेटे को खो देने का दर्द भी नाना पाटेकर ने सहा और आज हम आपके लिए उनकी आलीशान जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास जानकारियां लेकर आए हैं। एक वक्त था जब 35 रुपए में वो शो किया करते थे और आज 50 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। शून्य से कामयाबी के शिखर तक का ये सफर जो नाना ने तय किया है, ये इंडस्ट्री में आए नए कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। बॉलीवुड में अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले अभिनेता नाना पाटेकर का फिल्मी सफर काफी ज्यादा शानदार रहा, लेकिन अगर बात उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में करें तो निजी जिंदगी में नाना पाटेकर को कई झटके लगे हैं। पहले उन्होंने अपने बेटे को खो दिया जिससे वो पूरी तरह टूट गए। नाना पाटेकर की शादी 27 साल की उम्र में हुई। शादी के महज एक साल बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया। 28 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद 2.5 साल के बेटे के निधन ने नाना पाटेकर को बुरी तरह तोड़ दिया। नाना पाटेकर दो बेटों के पिता बने, लेकिन उनके बड़े बेटे का निधन छोटी उम्र में हो गया। उसके बाद उनको एक और बेटा हुआ जिसका नाम मल्हार है। आपको बता दें, नाना पाटेकर की पत्नी उनसे कुछ समय बाद अलग हो गई। कानूनी तौर पर ना सही, लेकिन नाना पाटेकर की वाइफ उनसे अलग रहने लगी। जब नाना पाटेकर की अफेयर की खबरें बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला के साथ आई, उसके बाद उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया। नाना पाटेकर बार बार मनीषा कोइराला के साथ अपने अफेयर की बात को इनकार करते रहे, लेकिन उनकी पत्नी नीलकांति ने एक नहीं सुनी। नीलकांति और नाना पाटेकर की पहली मुलाकात थिएटर रिहर्सल के दौरान हुई। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीलकांति एक बहुत अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ कमाल की लेखिका भी रहीं। एक्टिंग के साथ साथ वो जॉब किया करती थीं, बैंक में ऑफिसर थीं। नाना पाटेकर एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी उस वक्त 2,500 रुपए कमाती थी और वो एक शो से 50 रुपए कमाते थे। ऐसे में जब वो हर महीने 15 शो करते तो 750 के आसपास कमाई करते। नीलकांति और नाना की कमाई मिलाकर 3,250 रुपए के लिए करीब होती थी। वो बताते हैं कि जिंदगी बिताने के लिए इतनी कमाई काफी थी। नाना पाटेकर की जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, कई तरह की परेशानियां उनकी जिंदगी में उन्होंने झेली। अपने पिता के बारे में एक बार बात करते हुए नाना की आंखें काफी ज्यादा नम हो गई थीं। नाना पाटेकर कौन बनेगा करोड़पति के मराठी वर्जन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने पिता को याद किया और काफी इमोशनल हो गए। नाना पाटेकर ने कहा, मेरे पिता को ड्रामा और सिनेमा का बहुत शौक था। हालांकि वो मुझे शोज में लेकर नहीं जाते थे, वो कहते थे तुम खुद आओ और देखो कि कलाकार कैसे परफॉर्म करते हैं। उनके अंतिम दिनों में वो बहुत बीमार थे
और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दुर्भाग्य से पिता को म्यूनिसिपल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हमारे पास दवाइयों के पैसे तक नहीं थे। उस समय मेरे पिता जनरल वार्ड में थे। जब वो बीमार थे तब मेरा नाटक महासागर चल रहा था। उन्होंने केवल शुरुआत देखी, इसलिए मैंने मेरे अंकल को आकर देखने के लिए बोला। मैं अपने पिता को अंकल बोलता था, उन्होंने मना कर दिया। बोले, पिछली बार मैं देखने गया, मेरा चश्मा गिर गया, लेकिन मैंने उनको बुरा लगे इसलिए नहीं बोला। वो सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते थे, मैं उनको शिवजी मंदिर ले गया। मैंने ये प्रयोग केवल अपने पिता के लिए किया। इसके बाद वो शायद कुछ नहीं देख पाए। मैं अपने पिता को कुछ नहीं दे पाया। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर बताते हैं कि मेरे पिता की तबीयत काफी खराब थी, पैसे के जुगाड़ के लिए नाटक में जाना जरूरी था। उस दिन नाटक के 3 शो रखे गए। अचानक मुझे पता चला कि मेरे पिता नहीं रहे। नाना पाटेकर ने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है जो आज के कलाकारों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा दर्द भी सहा है। इस मुकाम को छूने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा परेशानियों को भी झेला है। अपनी मेहनत के बलबूते एक ऊंचे शिखर तक पहुंचने वाले नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों से लेकर मराठी फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। पिता के इलाज के लिए जिस नाना पाटेकर के पास पैसे नहीं थे, वो आज एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। नाना को खाने में लिट्टी और चने का साग काफी पसंद है। खुद को फिट रखने के लिए रेगुलरली व्यायाम करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाना पाटेकर एक बहुत अच्छे कुक हैं। कई तरह के व्यंजन बनाना पसंद करते हैं। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले नाना पाटेकर दिन के हिसाब से 35 रुपए और एक वक्त का खाना उन्हें मिलता था, लेकिन उनकी फिल्मों में उनकी जिंदगी बदल दी। नाना पाटेकर एक फिल्म के लिए आज लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस चार्ज करते हैं। ज्यादातर कमाई फिल्म ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन के जरिए करते हैं। फार्मिंग करना पसंद करते हैं, गेहूं चावल जैसी चीजें उगाते हैं। खेती से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल किसानों की मदद के लिए करते हैं। एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों के वो शौकीन हैं। उनके पास 2-3 लाख रुपए की कीमत वाली महिंद्रा जीप CJ4, लगभग 90 लाख की कीमत वाली ऑडी Q7 और 17 लाख रुपए की कीमत वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी है। मुंबई में आलीशान घर है। पुणे के पास खड़क वासला में आलीशान फार्म हाउस है जो लगभग 25 एकड़ में फैला है। नाना अपना ज्यादातर वक्त यहीं बिताना पसंद करते हैं। 7 कमरे और बड़े हॉल हैं उनके फार्म हाउस में। गेहूं धान और कई सब्जियां उगाते हैं और इन्हीं का फैसला मजदूरों में बांटते हैं। नाना पाटेकर की कुल संपत्ति की अगर बात करें तो करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक नाना पाटेकर बड़ी ही सादगी से अपनी जिंदगी जीते हैं और लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से ये नाना पाटेकर हैं जिनका नाम लगातार सुर्खियों में रहता है। ये नाना पाटेकर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके घर पहुंचे थे उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए। यानी इंडस्ट्री से साइडलाइन नाना पाटेकर सोशल वर्क भी करते हैं। इंडस्ट्री की चकाचौंध भरी दुनिया से अलग नाना पाटेकर सोशल वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा मशरूफ रहते हैं। आज के लिए स्टार लाइफ में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।